हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉय टेक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पैनो वैनिटी का। ये है पैनो वैनिटी, इतना अच्छा और सुंदर प्रोडक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। कितने अच्छे इसमें काफ़ी सारा मटेरियल दिया गया है। 3+ एज के लिए रिकमेंडेशन है इसकी। और आज का रिव्यू हम शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए नए टॉयज और एसेसरीज की रिव्यू मिलती रहे। और आज का रिव्यू हम शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके बॉक्स में क्या क्या मटेरियल है वो चेक करते हैं। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। वाओ, सबसे पहले हमें यही मिला है, कितना प्यारा सा खूबसूरत सा हेयर ड्रेसर है। और मैं इसके आगे ये सारे हमने देखिए, आप इसमें से काफ़ी हमें स्टॉक मिला है। तो स्टॉक को हम पहले देखते हैं क्या क्या इसमें स्टॉक में है। हमें एक ये इसको नट बोल्ट कसने के लिए पाना भी है, आप देख लीजिए इसमें। और इसमें बच्चों के लिए नेल पेंट और इसकी बॉक्स हैं, कंघी है, कुछ ज्वेलरी भी दी हुई है। और ये आई थिंक टेबल का है। और मिरर, कितना खूबसूरत मिरर है, आप देखिए कितना खूबसूरत मिरर है। जो ये यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। अब इसको फिर टेबल इसका बेस बनाते हैं। ये टेबल का मेन पार्ट्स है, इसको हम देखते हैं नीचे से। आप ये देख, इसमें 4-5 दिए हुए, ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ यहीं पर। सबसे पहले हम इसमें सभी में मार्किंग दी हुई है, जैसे इसमें एक कट दिया हुआ है, ये देखिए इसमें ये गुलाई में नहीं है प्रॉपर, उसी में ये फिक्स होगा यहाँ पे, जैसे ये इसमें कट दिया हुआ है, जैसे ये देखिए इस तरह से। तो जी है इसको इंस्टॉल करना। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, तो बड़ा जल्दी ये फिट हो रहा है। और ये हमारा बॉक्स पियानो तैयार हो गया है। ये मेन टेबल, अपनी टेबल के ऊपर हम बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब ये देखिए काफ़ी ये अंदर नहीं गया है आई थिंक, इसमें अभी मैं थोड़ा सा और टाइट कर देता हूँ इसको। अब ये फिक्स हो गए, आप देख सकते हैं ये हमारा मिल गया। और पियानो के लिए इन्होंने यहाँ पे लॉक भी दिया है, इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि वैनिटी दी है। तो यहाँ से आई थिंक इसमें कटर है। पहले हम इन पार्ट्स को इंस्टॉल करेंगे, जैसे पिक्चर में इन्होंने बताया गया है उस पिक्चर के हिसाब से पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से ये इंस्टॉल हो गया है, फिर इसको, इस पार्ट को भी हम इंस्टॉल कर देंगे। ये पार्ट इस तरह से यहाँ से लगेगा, आप देखिए ये इस, अब इस तरह से ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमें। अब इसके नीचे पेज भी दिए गए हैं ये वाले, अब हम पेज यूज कर सकते हैं। मैं खोल के आपको वो भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। काफ़ी टाइट इससे वो लगा हुआ है, मैं इसको कटर के मैंने इसको खोल दिया है। अब ये है प्लास्टिक का, ये देखिए बिल्कुल प्लास्टिक का है। अब इसमें मैं यहाँ रखता हूँ, इसके नीचे जो स्पेस दिया है उसको मैं इस तरह से फिक्स कर देता हूँ। मैं नीचे से आपको दिखा भी दूँगा किस तरह से ये फिक्स होगा। तो दो नट इसमें इस तरह से लगे हैं, इन नट्स को हम इंस्टॉल, ये जो पाना दिया है इन्होंने कसने के लिए, इससे भी आप इसको ऐसे कस सकते हैं। अब ये टेबल हमारा ऐसे बन चुका है। अब टेबल के बाद मेन मिरर है, मिरर को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे ये देखिए। यहाँ से इसमें एक होल दिया हुआ है, इसमें हमने प्रेस करके इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम इसको इसमें डाल दिया, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये लॉक हो गया है। अब ये प्रॉपर लॉक हो गया। अब ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लुक आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। इसको इंस्टॉल करना बड़ा इजी है, इसको हम इस तरह से, आप देखिए इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें लॉक दिया हुआ, ये लॉक यहाँ लग जाएगा, ये देखिए डन फिक्स। तो अब हम इस प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया गया, ये अब ये भी इसको आप लॉक करेंगे, ये लॉक हो गया। अब ये बच्चे के लिए बैठने के लिए देखिए कितना मजबूत है। अब इसमें दिया क्या क्या है ये देखिए, बच्चे के लिए एक माला है, हाथों के लिए सॉरी ब्रेसलेट है, ये अंगूठियां भी दी है, अंगूठियों का सेक्शन। और ये बालों के लिए दी है, मैं इसको इधर रख देता हूँ। दो हैं इसमें ये वाली, और बड़ी प्यारी सी कॉम है, यहाँ रख देते हैं हम इसको। अंगूठियाँ और भी हैं इसमें। अब ये नेल पॉलिश वगैरह दी है, ये खाली बॉक्स हैं, इसमें कुछ मटेरियल नहीं है। और लिपस्टिक के लिए भी ये खाली है बिल्कुल। अब मैं कॉम को यदि मैं सेंटर में रख दूँ
और इसको यहाँ रख दूँ तो ये कंप्लीट हो गया है। और ये रह गया हमारा हेयर ड्रेसर, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम पियानो को इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको क्लोजर में दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रोडक्ट बना है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना सारा मटेरियल हमें मिला है। अभी ये पियानो है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। अभी टेबल साथ में हम बच्चे के लिए मजबूत टेबल है। अब आप देखिए इसको दूर से, अब ये व्यू हमारा कंप्लीट हुआ है इसमें। अभी मैं इसमें सिर्फ पियानो इंस्टॉलेशन बाकी है, वो भी मैं अभी कर देता हूँ। मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा सा इस ऐसे करके मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें पॉलीथीन लगा हुआ है तो आई थिंक इसकी प्रॉपर ये बाहर नहीं आ रहा है। अभी देखता हूँ ये किस आगे आ रहा है। इसमें यहाँ दो बैटरी ऑपरेट होनी है, तो अब मैं बाकी पार्ट्स में इसकी जो बैटरी लगनी है वो कर देता हूँ। अब मैं इसको ये देखिए, और इसमें ये स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको खोल देता हूँ, और इसमें 1 और 2। अब इसको लॉक कर देंगे फटाफट इस तरह से। ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। बच्चा जब चाहे इसको यूज़ कर सकता है, जब चाहे इसको बंद कर सकता है, वैनिटी यूज़ कर सकता है। अब रहा हेयर ड्रेसर, अभी हेयर ड्रेसर में भी बैटरी ऑपरेट होनी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और एक बैटरी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी। अब ये काम कर रहा है, आप ये देखिए इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, स्टार्ट हो गया है, जैसे रियल फील करता है हेयर ड्रेसर, उसी तरह से ये काम हमें दिखाई दे रहा है। पर मैं हाथ से हवा लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें हवा नहीं आ रही है, लेकिन ये सिर्फ टॉयज है, उस वजह से ये बनाया गया है। टॉयज की तरह ये अच्छा प्रोडक्ट है और फिनिशिंग के साथ प्रोडक्ट बनाया हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम पियानो को ऊपर दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, पियानो बजाते हैं हम कैसे बसाई रहिए। पियानो के साउंड भी ठीक है, और पियानो कम वैनिटी एक अच्छा प्रोडक्ट है, हमें ये बाय करना चाहिए। और ऐसा हमने पिक्चर में देखा, ये सेम टू सेम वैसा प्रोडक्ट बन चुका है। पियानो अच्छा वर्किंग कर रहा है, यह ड्रेसर इससे अच्छा काम कर रहा है, और ये खूबसूरत प्रोडक्ट है बच्चे के लिए। टेबल कितना मजबूत टेबल है ये, आप देखिए इसकी क्वालिटी। और यदि बच्चा इसको बाय करता है, आप लोग बच्चों के लिए बाय करते हैं, तो ये एक पैसा वसूल आइटम है, आप इसके बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आगे भी हम नई नई प्रोडक्ट्स पे वीडियो लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और नए नए टॉयज के साथ खेलते रहिए। जय हिंद।